बहुत अरमान है दिल में, बहुत अरमान है दिल में, एक दिन सब पूरे कर जाऊंगा। बहुत अरमान है दिल में, एक दिन सब पूरे कर जाऊंगा। एक फौजी हूँ साहब, पहले देश के सपने सजाऊंगा। एक फौजी हूँ साहब, पहले देश के सपने सजाऊंगा। और अगर आ गई मेरी मौत कहीं मेरे और मेरे वतन के बीच, और अगर आ गई कहीं मेरी मौत मेरे और मेरे वतन के बीच, कसम है खुदा मैं मेरी मौत से भी झूठ बोलाऊंगा, मैं मेरी मौत से भी झूठ बोलाऊंगा। और अगर हो गया शहीद लड़ते लड़ते जंग में, और अगर हो गया शहीद लड़ते लड़ते जंग में, तो क्या दम है। और अगर हो गया शहीद जंग में लड़ते लड़ते, तो क्या दम है। होगी बेइंतिया खुशी, मैं भी किसी का सुपर हीरो कहलाऊंगा, मैं भी किसी का सुपर हीरो कहलाऊंगा। तो क्या हुआ मेरे बच्चों को मेरा प्यार नसीब नहीं होगा, तो क्या हुआ मेरे बच्चों को मेरा प्यार नसीब नहीं होगा। फक्र होगा उन्हें भी जिस दिन मैं मेरे देश के काम आऊंगा, फक्र होगा उन्हें भी जिस दिन मैं मेरे देश के काम आऊंगा। अब लोग क्या बोलते हैं ना कि एक मेंटेलिटी सेट कर लिए लोगों में कि लोग आर्मी में जाते किस लिए, पैसे कमाने। ये एक लोगों की एक मानसिकता है एक टाइम पे कि वो सोचते हैं कि लोगों को कोई और काम नहीं है, वो आर्मी में जा रहा है, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। ऐसा नहीं है। तो ये वही आर्मी पर्सन बता रहे हैं कि ना पैसों की भूख थी ना ये धंधा कोई बड़ा था, ना पैसों की भूख थी ना ये धंधा कोई बड़ा था, सपनों में जोश था इसीलिए फौज में खड़ा था। कि ना पैसों की भूख थी ना ये धंधा कोई बड़ा था, सपनों में जोश था इसीलिए फौज में खड़ा था। और इतनी आसान नहीं होती है फौज की जिंदगी, इतनी आसान नहीं होती है फौज की जिंदगी। जब मैं यहाँ ड्यूटी पे खड़ा था, मेरा बेटा घर में बीमार पड़ा था। जब मैं यहाँ ड्यूटी पे खुद ही संभाला उसने अपनी हर तकलीफ से, वो खुद लड़ा था। खुद को खुद ही संभाला उसने अपनी हर तकलीफ से, वो खुद ही लड़ा था। शायद उसे भी पता था उसका बाप अभी देश की रक्षा में लड़ा था, उसे भी पता था उसका बाप अभी देश की रक्षा में लड़ा था। तुझे पता है मैंने कितने सपने तोड़ाया था, तुझे पता है मैं कितने सपने तोड़ाया था, मैं मेरे सारे यार मेरे गांव में ही छोड़ आया था। तुझे पता है मैं मेरे कितने सपने तोड़ाया था, मैं मेरे सारे यार मेरे गांव में ही छोड़ आया था। और हमें भी इश्क हुआ था एक दफा, और हमें भी इश्क हुआ था एक दफा, मगर इस देश के लिए मैं उसे भी छोड़ आया था, इस देश के लिए मैं उसे भी छोड़ आया था। अरे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो आर्मी में एक तरह बहुत बड़े बैरियर है। मैं सोचता हूँ पॉलिटिशियन आर्मी पर्सन के लिए एक बहुत बड़े बैरियर है। तो उनके लिए है कि हम यहाँ मरते रहे तो तुम वहां जीते रहे, हम यहाँ मरते रहे तो तुम वहां जीते रहे, हमारे इस फटे जिस्म से अपने मखमल की चादर सीते रहे, हमारे इस फटे जिस्म से अपने मखमल की चादर सीते रहे। और ये तो हमारे डाले हुए बीज थे, ये तो हमारे डाले हुए बीज थे, जो तुम्हारे हाथ में भी फूल खिलते रहे, जो तुम्हारे हाथ में भी फूल खिलते रहे। और इस राजनीति को फौज से निकाल दो ना, इस राजनीति को फौज से निकाल दो ना, जाने कितने बरसों तक ये फौज का खून पीते रहे, जाने कितने बरसों तक ये फौज का खून पीते रहे। अब चार लाइनें बोलना चाहूंगा लास्ट में कि ना किसी को अब कोई दर्द सहने दो, ना किसी को अब कोई दर्द सहने दो, करो प्यार सबसे ना किसी को रोने दो, करो प्यार सबसे ना किसी को रोने दो। और वो तिरंगा है, वो तिरंगा है उसे कफन ना बनने दो किसी का, वो तिरंगा है उसे कफन ना बनने दो किसी का, वो झंडा है उसे झंडा ही रहने दो, वो झंडा है उसे झंडा ही रहने दो। अब मैं प्यारे बेकअप से लिखता हूं तो उसके बिना तो मैं जाऊंगा नहीं, तो दो लाइन इसके लिए भी कि इश्क हो रहा है तुमसे क्या किया जाए, इश्क हो रहा है तुमसे क्या किया जाए, रोक ले खुद को या होने दिया जाए, रोक ले खुद को या होने दिया जाए। और बहुत दूर रहती है वो हमसे, बहुत दूर रहती है वो हमसे, उन्हें यहाँ बुला ले या हम बात, हम वहां जाए या उन्हें यहाँ बुला लिया जाए। धन्यवाद।